बड़ा अपडेट आ रहा है श्रद्धा मर्डर केस में। लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। शव के टुकड़े करने के लिए एक से ज्यादा हथियार यूज किए गए। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। श्रद्धा और आफ्ताब के बीच अक्सर मारपीट होती थी, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आफ्ताब ने प्लान बनाकर श्रद्धा की हत्या की और हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार एक से ज्यादा थे। हालांकि मर्डर वेपन की तलाश अब भी की जा रही है। विवेक शर्मा का मैं रुख करना चाहूंगी। विवेक, क्या अपडेट इस खबर पर? देखिए, लगातार पुलिस की पूछताछ में आफ्ताब एक के बाद एक कई खुलासे कर रहा है। पुलिस की पूछताछ में यह भी निकल के सामने आया है कि आफ्ताब ने एक नहीं करीब दो से तीन हथियारों का इस्तेमाल जो है वो किया था शव के टुकड़ों को करने के लिए। लगातार पुलिस जो है अभी हथियारों को रिकवर करने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस की पूछताछ में आफ्ताब ने यह भी बताया कि वो दिल्ली नहीं आना चाहता था। श्रद्धा जो है वो दिल्ली आना चाहती थी लेकिन वो उसके खिलाफ था, लेकिन श्रद्धा के प्रेशर के बाद वो दिल्ली आया और यहाँ पर जो है छतरपुर पर उसने फ्लैट किराए पर लिया। और इससे पहले वो लोग हिमाचल और उत्तराखंड घूमने के लिए गए थे अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए, लेकिन जब यहाँ पे छतरपुर फ्लैट पे आए थे तो यहाँ पर अक्सर उनका झगड़ा हुआ करता था क्योंकि शादाब नशे का आदी था और वो नशा करने के बाद श्रद्धा को बेरहमी से पीटता भी था। तो लगातार पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है आफ्ताब से। और इसमें एक चीज़ और निकल के सामने आई कि आफ्ताब जो है वो किसी शख्स से चैट करता था जिसके चलते श्रद्धा काफी नाराज रहती थी, झगड़ा होता था। तो पुलिस आफ्ताब और श्रद्धा और उसके दोस्तों के जो चैट है उसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है।